नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म दी कश्मीर फाइल्स के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे फैंस का इंतजार आज खत्म हुआ और आज दोस्तों मेकर्स की तरफ से इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा चुका है। जी हां दोस्तों, हालांकि इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा इस बात को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों साथ ही एक और बड़ा अनाउंसमेंट ये किया गया है कि फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को ओटीटी पे Z5 और Zplex पे रिलीज किया जाएगा, जहां पे दोस्तों इस फिल्म के हिंदी वर्जन के साथ साथ हमें फिल्म का तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वर्जन भी देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, काफी समय से ऑडियंस की डिमांड थी कि फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को हिंदी के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी डब करके रिलीज किया जाए, तो ऐसे में दोस्तों ऑडियंस की डिमांड सुनते हुए मेकर्स ने इस फिल्म के सभी वर्जन को ओटीटी पे प्रीमियर करने का फैसला किया है। आ रही खबरों के मुताबिक दोस्तों फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के स्टार्टिंग के वीक में Z5 पर रिलीज किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बताते चले कि फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को ऑडियंस और क्रिटिक्स सभी की तरफ से काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसके दम पर दोस्तों महज 20 से 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म दी कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पे 250 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हासिल की थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म ने ऑडियंस को झकझोर कर रख दिया था और ऑडियंस इस फिल्म को देख कर अपने आंसू नहीं रोक सकी थी। ऐसे में अब ये फिल्म ओटीटी पे भी धमाल मचाने के लिए तैयार है और उम्मीदें की जा रही है कि ओटीटी पे ये फिल्म रिलीज होकर ओटीटी प्लेटफॉर्म के भी सारे रिकॉर्ड्स को तहस नहस कर देगी। इस फिल्म का दोस्तों निर्देशन किया था विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने, जबकि फिल्म में हमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मृणाल कुलकर्णी और चिन्मय मांडलेकर नजर आए थे। वही फिल्म को प्रोड्यूस किया था तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री ने जी स्टूडियोज और अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स के बैनर तले। अब बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने के बाद ये फिल्म जल्द ही Z5 और Zplex पर धमाल मचाने के लिए आने वाली है। तो दोस्तों फिल्म दी कश्मीर फाइल्स की ओटीटी पर रिलीज होने का आप भी इंतजार कर रहे थे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।